हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है राजस्थान एकेडमी पे। आज हम LU यूनिवर्सिटी जयपुर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी जयपुर के बारे में बात करेंगे। उन्होंने कल नाइट में नोटिफिकेशन दिया रिवलेशन का, जो LLB फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट थे उनका रिजल्ट आया था 13 अप्रैल को, उसके रिवलेशन को स्टार्ट किया है उन्होंने कल से, और यह रिवलेशन 14 मई तक रहेगा। स्क्रीन पे आपको नोटिफिकेशन दिखाया जा रहा है। उन्होंने बताया है कि आपको रिवलेशन फीस 390 प्लस 100 रुपये के अकॉर्डिंग देनी रहेगी, तो टोटल 490 रुपये आपको पर सब्जेक्ट के रिवलेशन के पैसे देने हैं। आप मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट में रिवलेशन करवा सकते हैं। ये तो रही बात कल की नोटिफिकेशन की। कल की नोटिफिकेशन अपलोड करने के बाद में मुझे काफ़ी स्टूडेंट्स के क्वेश्चन आए कि हमें रिवलेशन कौन से सब्जेक्ट में करवाना चाहिए एंड कैसे करवाना चाहिए। तो मैंने देखा एंड स्टडी किया, तो मुझे लगा कि एक सेपरेट वीडियो ही बना देना चाहिए छोटा सा इसके लिए, कि जिससे सभी स्टूडेंट्स को हेल्प हो जाए समझने में। अब जैसे उन्होंने जब 13 अप्रैल को रिजल्ट जारी किया था, तो वो रिजल्ट इस अकॉर्डिंग था कि आपके एग्रीगेट 48% बनने चाहिए 6 सब्जेक्ट में। बट यह काफ़ी, फिर उसके बाद में नोटिफिकेशन एक और आया जो आया 19 अप्रैल को, उसके अकॉर्डिंग कल वापस रिजल्ट भी निकला है एंड और अपना जो ये रिवलेशन फॉर्म है वो भी स्टार्ट हुआ है। अब क्या रूल कर दिया है कि आपको 6 सब्जेक्ट में 45% लाने हैं। तो जो भी 6 सब्जेक्ट है उनमें आपके यदि 45% आ रहे हैं तो आप पास हो रहे हैं। ग्रेस का क्या सिस्टम है? ग्रेस आपको 1% मिलेगा। इसमें क्या होगा, जो आप ग्रेस सब्जेक्ट है आपका, 2 सब्जेक्ट में आपको ग्रेस मिल सकता है मैक्सिमम 9 नंबर तक का। तो अब 2 सब्जेक्ट में आप ग्रेस लेके पास हो सकते हैं, अगली क्लास में जा सकते हैं। अब आप रिवलेशन करवाते हैं तो आपको किस बात का ध्यान रखना चाहिए? रिवलेशन में आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपने जो 6 सब्जेक्ट चूज किए हैं उनमें एग्रीगेट आपके 45% बने। तो आप वो सब्जेक्ट चूज करें जिनमें मैक्सिमम नंबर आए हुए हैं आपके, क्योंकि आपके जब 45% बन जाएंगे 6 सब्जेक्ट के अंदर, तो आपको नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर दिया जाएगा और 3 सब्जेक्ट में आपकी ड्यू रह सकती है, आपकी सप्लीमेंट्री रह सकती है। आपका ड्यू का सिस्टम रहेगा जो आप सेकेंड ईयर के साथ में एग्जाम दे सकते हैं। तो रिवलेशन फॉर्म भरते समय इस बात का ध्यान रखें कि आप उस सब्जेक्ट को चूज करें जो आपके मैक्सिमम नंबर बना सके। जैसे काफ़ी लोगों के 45% बनने में जैसे 2 या 3 नंबर कम रह रहे हैं, 6 सब्जेक्ट अपन चूज करते हैं उनके अंदर, तो उसमें आप उस सब्जेक्ट को चूज करें जिसमें 2 या 3 नंबर कम रह रहे हैं। आप सोचते हैं मेरा बेस्ट पेपर हुआ है ये जिसमें मेरे को 8 या 10 नंबर मिले हैं, तो मैं इसको करवाता हूँ तो मेरे नंबर बढ़ जाएंगे। बट आप ये बात ध्यान रखिए, उसमें 20 नंबर भी आपके बढ़ा दिए गए तो भी आपको जो 45% है वो नहीं बन रहे हैं आपके, तो आप पास नहीं होंगे, आपका रिजल्ट फेल ही रहेगा। तो इस बात का ध्यान रखते हुए 3 सब्जेक्ट में आप रिवलेशन का फॉर्म भरें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कोई भी और क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं।